इट्स मी हजीका। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मोस्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो, वो इस तरीके से कि आज मैं आपको बताऊंगी कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो आज एक से बढ़कर एक इन्वेंशन सामने आती है हमारे, ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल तो करते हैं, हम यूज़ तो करते हैं, बट वो क्यों बनी थी, उनका पर्पज़ क्या था, उनके बनने के पीछे क्या वजह और क्या रास्ता, वो हम नहीं जानते। सो आज मैं आपको बताऊंगी उनके पीछे का पर्पज़। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले बात करूंगी परफ्यूम्स की। परफ्यूम एक मैजिकल थिंग है। वो कैसे, अब आप कहेंगे इसमें क्या मैजिक है? मैजिक है, तो मैजिक ऐसे कि अगर इंसान ने 10-15 दिन से ना नहाया हो, वो इंसान, और उसके बाद से बहुत बैड ऑडर आ रही हो, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रहा हो, तो वो परफ्यूम को अप्लाई करने के बाद, परफ्यूम यूज़ करने के बाद, वो आराम से अपनी ये बैड ऑडर छुपा सकता है। तो ये हुई ना मैजिकल चीज़, इसीलिए मैंने इसे मैजिकल कहा। लेकिन परफ्यूम के बनाने में पर्पज़ क्या था, वो मैं आज आपको बताऊँगी। एक्चुअली परफ्यूम जो बना था, वो इसलिए बना था कि परफ्यूम हम इसलिए यूज़ करते थे, पहले एक स्प्रे टाइप की चीज़ बनी थी, जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्ट्स हैं, जो कॉकरोचेज़ हैं, वो मतलब इंसानी बॉडी से दूर रहें, यानी कि इंसानी बॉडी के ऊपर वो इसलिए अप्लाई करा करते थे कि ताकि हम उनसे, इंसेक्ट्स से बच सकें, जैसे कि बीज हो गई, जैसे कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे कि मच्छर हो गए। लेकिन उसके बाद उसको इनोवेट कर दिया गया, इनोवेट करके अब हम उससे उसकी फ्रेग्रेंसेस चूज़ करते हैं, अच्छे से अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखें उसका मकसद क्या था बनने का और अब क्या हो गया। तो ये वाकई सोचने के काबिल है कि वाकई इसका पर्पज़ क्या था और इस चीज़ को हम अब किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो रिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, रिंग हम सब की कमज़ोरी है। रिंग को पहनकर हम और ज़्यादा खूबसूरत दिखा करते हैं, और आजकल तो लड़के भी स्वैगी बनने के चक्कर में रिंग्स पहना करते हैं। के बनने के पीछे पर्पज़ क्या था वो देखें। पहले के ज़माने में रिंग्स जो है वो कोई भी नहीं पहना करता था, सिर्फ और सिर्फ वो बादशाहों के लिए हुआ करती थी, वो शाही ख़ानदानों के लिए हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बादशाह रिंग्स को पहना करते थे। और वो रिंग्स, उस रिंग्स को पहनने का ये पर्पज़ हुआ करता था कि वो रिंग्स वो एज अ स्टैम्प यूज़ किया करते थे, यानी कि किसी भी लेटर पर वो अपनी स्टैम्प के तौर पर, अपनी रिंग को जो है स्टैम्प के तौर पर लगाया करते थे, और वो रिंग उस बादशाह की निशानी हुआ करती थी, उस बादशाह की निशानदही किया करती थी। सो उसके बाद इसको ज्वेलरी में ऐड कर दिया गया और विमेंस और मैन सब वेयर करने लगे। तो आप देखें रिंग्स के बनने का मकसद क्या था और आज रिंग्स को एज ए ज्वेलरी वेयर करते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट बबल गम तो हम सबको बहुत पसंद होती है, च्युइंग गम हर कोई बहुत शौक से खाता है। सो हमें पता है कि इसके पीछे, यानी कि च्युइंग गम के बनने के पीछे क्या हिस्ट्री है। हुआ ये था कुछ के जो पहले 1771 की बात है कि जब ट्रेस के अंदर से जो कोन टाइप की चीज़ निकला करती थी, उसे लोग मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ किया करते थे। फिर एक शख्स जिसका नाम एंटोनी एना था, उसने उस मटेरियल को, बहुत सारे मटेरियल को कलेक्ट करा, और उसके बाद वो उसने एक शख्स दूसरे शख्स को, थॉमस को बेच दिया। उसके बाद उस थॉमस ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसे रबर बनाने की कोशिश करी, बट रबर उससे बन नहीं सका। फिर उसके अंदर उसने बहुत सारे फ्लेवर्स डाले, और फ्लेवर डालने के बाद, डिफरेंट फ्लेवर्स डालने के बाद उसको कैंडी टाइप बना दिया, और वो कैंडीज इतनी तेज़ी से सारी की सारी बिक गई 1800 में। और उसके बाद उसने इसे अपना बिजनेस बना लिया, और उसके बाद से बबल गम्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, हर कोई उसे पसंद करने लगा। ओके, तो फोर्थ थिंग है पिलो। पिलो को हम अपने आराम के लिए यूज़ किया करते हैं, हम उसके बगैर सो नहीं सकते, अब हम इस हद तक हैबिचुअल हो गए हैं पिलोज़ के। लेकिन क्या आपको पता है कि पिलो की इन्वेंशन क्यों हुई थी? पहले ज़माने के लोग पिलो इसलिए यूज़ किया करते थे ताकि उनके कानों में, उनके नाक में कोई इंसेक्ट, कोई ऐसा कीड़ा ना चला जाए जो उन्हें नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पहले ज़माने के लोग बहुत हार्ड टाइप के पिलो यूज़ किया करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो सेफ़ रहें इन चीज़ों से। और सॉफ्ट टाइप के पिलोज तो उनके लिए बिल्कुल यूज़लेस थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हार्ड टाइप के पिलोज से ही वो बच सकते हैं। उसके बाद हुआ ये कि थोड़ी इन्वेंशन हुई, फिर उसके बाद चाइना में हार्ट टाइप के पिलोज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव समझने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव समझा जाता था। फिर उसके बाद कुछ अमीर लोगों ने अपना क्लास दिखाने के लिए, अपना लेवलिज्म दिखाने के लिए सॉफ्ट टाइप के पिलोज़ बनाना शुरू करे और उन्हें यूज़ करना शुरू किया। खैर, ये थी पिलो की हिस्ट्री। अच्छा हुआ अमीर लोगों ने हमारा फ़ायदा करवा दिया, इट्स सो बेनिफिशियल फॉर अस कि अमीर लोगों ने, रिच पर्सन्स ने ऐसे पिलोज़ यूज़ करना शुरू करे, नहीं तो चाइना ने तो हमें मरवा दिया था। को कौन नहीं जानता, सेवन अप हर कोई पसंद करता है, हर कोई अपने मेल्स के साथ सेवन अप को यूज़ करता है, और उसका जैसा टेस्ट किसी को किसी और ड्रिंक पे नहीं मिलता। लेकिन क्या आपको पता है सेवन अप की हिस्ट्री क्या थी? स्टार्टिंग में ये हुआ था 1929 में, जो सेवन अप के ऑनर थे
चार्लेस, उन्होंने उनकी जो ड्रिंक्स थी वो ऑरेंजेस को लेकर ड्रिंक्स बनाया करते थे, ऑरेंज जूसेस को लेकर. सो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह फेल हो गई थी. उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऑरेंज और लेमन को लेकर दोनों को मर्ज करके एक नई ड्रिंक बनाई जिसका नाम बिग एप्पल लाइम सोडा रखा. ये नाम बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसको इनोवेट करके बाद में इसको चेंज करके उन्होंने सेवन अप कर दिया. और सेवन अप इतनी पॉपुलर हुई, इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि हर कोई उसे पसंद करने लगा. उनका बिजनेस डूब रहा था इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हो गया कि आज भी हर कोई सेवन अप को जानता है. ओके गाइस, तो आपने देखी मेरी वीडियो, आप होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. ये वाकई बहुत इंफॉर्मेटिव थी. आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ है जिसका पर्पस बहुत ज़्यादा एनवाइड भी लगा और इसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंज लगा. आपको नहीं लगता था कि ये चीज़ इसके लिए बनी होगी. सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल. लव यू ऑल. बाय बाय.